दशहरे के पावन मौके पर माता महाकाली मंदिर के बगल में स्थित मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति थी। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में पूर्व नगर सेवक संतोष लहामगे ने क्या जानकारी दी। आदिशक्ति माता महाकाली मंदिर के बगल में स्थित मैदान पर पिछले अनेक वर्षों से सार्वजनिक राष्ट्रीय शारदा व दसरा महोत्सव मंडल चंद्रपुर की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक यहां पर जमा होते हैं। इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम काफी धूमधाम से किया गया। इस मौके पर चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी, शैलेश बागला के साथ अनेक मान्यवर मौजूद थे और रावण दहन कार्यक्रम शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पर आतिशबाजी का भी आनंद लिया। तो सुनिए इसके संबंध में मंडल की ओर से संतोष लहामगे ने क्या जानकारी दी। हा सार्वजनिक दसरा महोत्सव मंडळाच्या वतीने आपण दरवर्षी जवळपास 1957 पासून आज 67वा वर्ष आहे या रावण दहनाचा कार्यक्रम आपण इथे महाकाली पटांगणावर घेत आहोत। आपला हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश की कुठल्याही समाजाला न दुखावता एक प्रतिकात्मक मूर्ति म्हणून जे प्रथा आहे की दृष्टावर नाश करायचा दृष्ट प्रवृत्तीचा असा या संकल्पनेतून आम्ही या मंडळाद्वारे दरवर्षी आधी आम्ही रावण दहनाचा रावण कुंभकर्ण व इंद्रजीत असे तीन पुतळ्यांचं दहन करत होतो पण इथे मागील काही वर्षापासून महाकाली महोत्सव जो कार्यक्रम सुरू झाला आहे त्याच्यामुळे पटांगण व्यापलेलं असल्यामुळे आम्हाला ते काही इथे दो तीन पुतळे उभे करता येत नाही तरी आम्ही वेळेवर एक पुतळा उभा करून जी परंपरा सुरू आहे ती परंपरा आम्ही चालवत आहोत मंडळाद्वारे रावण दहनाची। सी टी व्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।